ओके हेलो व्यूअर्स, मैं हूं अनिकेत। आप लोग देख रहे हैं अनिकेत एक्सप्लेन चैनल को। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारी एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम लोग दो फ्रेंड्स को देखते हैं जो एक बहुत ही बेस्ट फ्रेंड्स थी, जिनमें से एक का नाम कोल होता है और दूसरी लड़की का नाम होता है मैडी। यहाँ पर कोल को आवाज़ आती है, ये दोनों एक दूसरे को गुड बाय करके जा रहे थे। यहाँ पर फिर कोल को आवाज़ आती है मैडी की कि कोई उसे उठाकर ले जा रहा है, यानी कि उसे किडनैप कर रहा है। तब कोल देखते कि कोई मैडी को अपने कंधों पर डालकर उसे किडनैप करके ले जा रहा है। यहाँ से फिर ब्लैकआउट होता है, यानी कि सीन चेंज होता है और हम लोग यहाँ पर कोल को देखते हैं जो कि एक बॉक्स में बंद थी और जहाँ पर एक रेड कलर का सायरन बज रहा था। और दोस्तों ये सायरन और कुछ नहीं बल्कि एक अल्ट्रासोनिक वेव्स थी, जिसके कारण कोल को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही थी और वो किसी तरह से अपने आप को बाहर छुटाने की कोशिश करती है, पर वो ऐसा नहीं कर पाती। पर वो किसी तरह से उस वहाँ से बाहर आ जाती है और वो अपने आप को एक जंगल टाइप एरिया में देखती है जहाँ पर कोई भी नहीं मिलता है उसे, और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब यहाँ पर दोस्तों कोल जो थी वो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में थी, वो बहुत ज़्यादा परेशानी में थी और वो उस जंगल को एक ऐसी जगह समझ रही थी जो जगह उसने कहीं पर भी नहीं देखी थी, उसकी इमेजिनेशंस में भी नहीं। अब वो यहाँ से भागती है तो उसको दो लड़कियाँ पकड़ लेती हैं, जिनमें से उनमें से एक लड़की का नाम शीना होता है जो कि हमारे यहाँ पर को एक्टर है कोल के साथ। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये दो तीनों शीना से और कोल से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास फ़ोन है, पर यहाँ पर कोल जो होती है वो बहुत ज़्यादा परेशानी आती है और कहती है कि शायद फ़ोन मेरे बॉक्स में हो जिसमें मैं बंद थी। वो दोनों उसी बॉक्स के पास जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर उसका कोई भी फ़ोन नहीं है। अब ये लोग बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है इन लोगों को, और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर कोल को एक दौरा पड़ता है, यानी कि वो बेहोश हो जाती है और उसकी आँखों की सारी लाइटनेस चली जाती है और वो किसी और की आँखों से अब देखने लगी थी, और वो देखती है कि वो एक आदमी की आंखों से देख रही है जिसके हाथों में एक कुल्हाड़ी है। दोस्तों ये इस मूवी का एक बीस्ट है जिसके बारे में आपको एंड में पता पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कोल है जो वो अपने होश में आती है और उन लोगों को बताती है कि मुझे एपिलेप्सी है। एपिलेप्सी का मतलब मैं आपको बता दूँ, एपिलेप्सी का मतलब होता है कि लोगों को बीच बीच में दौरे पड़ते हैं, वो लोग बेहोश हो जाते हैं। फिर अब जैसे ही कोल होश में आते हैं तो वो देखते हैं कि उनके पास शीना नहीं है, एक दूसरी लड़की आ गई है। अब वो उस लड़की से पूछते हैं कि शीना कहाँ है, तो वो लड़की भी उसे मना कर देती है कि कोल मुझको भी नहीं पता कि शीना कहाँ पर गई है। अब ये दोनों एक साथ जंगल में घूम रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कोल है वो फिर से दोबारा से बेहोश हो जाती है और वो फिर से उसी आदमी को देखती है। हम लोग देखते हैं कि ये लोग भागकर शीना को ढूंढ रहे थे, उसे आवाज़ लगा रहे थे, पर शीना इन लोगों को कहीं पर भी नहीं मिल रही थी। अब यहाँ पर कोल और वो दूसरी लड़की उसी एक्स वाले आदमी को देखती हैं, यानी कि उसी बीस्ट को देखती हैं उस जंगल में घूमता हुआ। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो कोल है वो फिर से बेहोश होने लगती है, उसकी जो आई साइट थी वो फिर से वीक होने लगती है, और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो कोल है वो फिर से उसी आदमी के आई साइट से देखने लगी थी। दोस्तों ये कुछ तो स्ट्रेंज था। अब इसके बारे में आपको एंड में मैं बताऊँगा कि ये सब चीज़ क्या है। अब देखते हैं कि जो वो एक्स वाला आदमी होता है जिसके हाथ में एक्स थी, वो उस दूसरी लड़की के पीछे भागने लगता है और जो कोल थी वो उसकी आई साइट से उस लड़की को भागते हुए आगे देख रही थी। अब वो एक्स मैन उस लड़की पर हमला कर देता है पर वो लड़की बच जाती है। वो लड़की फिर से उसी एक्स मैन पर हमला करने की कोशिश करती है पर वो एक्स मैन बच जाता है और उस लड़की को बड़ी ही बेरहम मौत दे देता है। वो लड़की वहीं पर ऑन द स्पॉट ही मर जाती है। और फिर हम देखते हैं कि कोल जो है वो फिर से अपने होश में आ जाती है और वो उस लड़की को मरा हुआ देखती है। वो बहुत ही ज़्यादा चिंता में थी कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। अब वो लड़की वहाँ से भागती है और देखती है कि अब वो एक डेजर्ट टाइप कुछ एरिया है, वहाँ पर आ गई है जहाँ पर उसके चारों तरफ एक बिलर्स लगे हुए थे जिनमें वही अल्ट्रासाउंड निकल रहे थे जिससे वो परेशान हो रही थी। ये अल्ट्रासाउंड तब बजते थे जब कोल उनके पास जाती थी, और जैसे वो उनसे दूर आ जाती थी वो ग्रीन हो जाते थे, यानी कि वो बंद हो जाते थे। अब कोल को ये चिंता ज़्यादा नहीं लगी थी कि वो यहाँ से बाहर कैसे निकले, क्योंकि जैसे ही वो उन पिलर के पास जाती है वहाँ पर अल्ट्रासोनिक साउंड निकलने लगते हैं। अब दोस्तों यहाँ से हम देखते हैं कि एक लड़की भागती हुई आ रही है जिसके पीछे दो बीस्ट लगे हुए हैं, जिनमें से एक बीस्ट तो वही एक्स वाला है, और हम यहाँ पर एक बीस्ट को और देखते हैं जिसके पास सिकल होती है, जो वहाँ पर सिकल बीस्ट हम कह सकते हैं। यहाँ पर वो एक्स वाला उस लड़की के पीछे अपनी एक्स से वार कर देता है, तभी वहाँ पर एक सिकल वाला बीस्ट आ जाता है और इन दोनों में हम देखते हैं कि यहाँ पर लड़ाई होती है, और जो सिकल वाला बीस्ट है वो यहाँ पर एक्स वाले को मार देता है और उसे बुरी तरह से उसे गंभीर कर देता है, उसकी जो हालत थी वो बहुत गंभीर कर देता है, और यहाँ पर जो एक्स वाला बीस्ट है वो यहाँ पर मर जाता है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कोल उसी लड़की को जिसकी कमर पर उस एक्स वाले बीच ने वार करा था, वो उसको वहाँ से लेकर जा रही है और उसे बचाने की कोशिश कर रही है। वो उसको एक पत्तों में ले जाकर छुपा देती है जंगल में और वो वहाँ से चली जाती है। कुछ ही देर बाद हम लोग देखते हैं कि जो सिकल वाला बीस्ट होता है जिसने एक्स बीस्ट को मारा था, वो उसी लड़की के पास आ जाता है और उसे खिचेड़ता हुआ एक ट्री के पास लेकर आता है, उसे वहाँ पर बांध कर उसके हाथों को खींचने की कोशिश करता है, यानी कि वो उसे मारने ही वाला था। वो उसे मारने की कोशिश करता है, उसके हाथों को खींचता है, तभी हम देखते हैं कि कोल के पास एक पिग वाला बीस्ट आ जाता है जिसकी शक्ल थी वो पिग जैसी थी। जैसे वो सिकल वाला बीस्ट उस लड़की के हाथों को खींचता है यानी कि उसे मार देता है, वो पिग बीस्ट भी वहाँ पर मर जाता है, जिसके कारण हम लोगों को दोस्तों यहाँ पर
पता पड़ता है कि जो ये बीस्ट थे ये इन्हीं लड़कियों से जुड़े हुए थे, यानी कि अगर इनमें से कोई भी मरता है तो उनमें से किसी अल्टरनेट की जान चली जाएगी। जैसे कि यहाँ पर जो कोल का बीस्ट था वो था एक्स वाला बीस्ट, और जो वो लड़की जिसको अभी अभी मारा था उसका बीस्ट था वही पिग वाला बीस्ट। तो आप लोग आप समझ ही गए होंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कोल के पास शीना और एक लड़की और आती है जो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी, और शीना उस लड़की को बचाते हुए उस हाउस में लेकर आई थी जहाँ पर कोल थी। अब यहाँ पर कोल फिर से एपिलेप्सी की शिकार होती है, वो फिर से बेहोश हो जाती है, और वो फिर से अपने ही उस बीस्ट को देखती है जो कि एक लड़की को पकड़ लेता है। और वो लड़की दोस्तों कोई और नहीं, वो लड़की मैडी ही थी, और ये लड़की मैडी वही थी कोल की फ्रेंड जिसको हमने मूवी की स्टार्टिंग में किडनैप होते हुए देखा था। अब हम यहाँ पर एक लड़की को देखते हैं जो कि एक चाइनीज़ लड़की थी, और वो यहाँ पर कोल से बहुत डर रही थी क्योंकि उसने एक और एक लड़की को भी गलती से मार दिया था। कोल यहाँ पर उस लड़की के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाती है, और ये दोनों दोस्त हो जाती हैं, और ये एक दूसरे से वादा करती हैं कि हम दोनों एक साथ रहेंगे चाहे कैसी भी क्रिटिकल सिचुएशन आ जाए। अब यहाँ पर कोल ये पता करने में लग जाती है कि वो उस बीस्ट की आंखों से कैसे देख रही थी जब जब वो बेहोश होती थी। तो उसको लगता है कि उसकी आंखों में कोई चिप फिट है, तो वो उसने जो लड़की को मारा था वो उस लड़की की आंखों में देखती है और उसे वही चिप मिलती है। और उसे ये पता पड़ता है कि जब वो बेहोश थी एक डॉक्टर ने उसकी भी ऐसी सर्जरी करी थी, तो इस कारण वो एक लड़की की जैसे ही उस आँख को खोलती है तो उसे वही चिप मिलती है, जिससे उसका जो क्लियर हो जाता है ये कि उसकी आंखों में भी ये चिप फिट है, जिसके कारण वो दूसरे जो आईसाइट के जो दूसरे बीस्ट थे उसके आईसाइट से वो देख पा रही थी। अब दोस्तों यहाँ पर शीना आती है, और वो शीना को भी बताती है कि उन डॉक्टर्स ने जिन्होंने हमको इस गेम में रखा है उन्होंने हमारे अंदर एक आईज के अंदर एक चिप फिट कर रखा है, जिसके कारण उनको पता पड़ जाता है कि हम लोग कहाँ पर हैं। और वो इन सब लोगों को ये भी बताती है कि हम लोगों का एक पर्सनल बीस्ट है, अगर हम मर जाते हैं या फिर वो बीस्ट मर जाता है तो हम दोनों में से किसी एक की भी मौत हो सकती है। अब यहाँ पर दोस्तों जो शीना होती है वो ये प्लान बनाती है कि वो इन सब लोगों को मार देगी और इस गेम में आखिर तक बचेगी, और जो दोस्तों इस गेम में आखिर तक बचता है वही इस गेम को जीतता है। और यहाँ पर मैं आपको इस मूवी का एक सीक्रेट भी बता दूँ कि यहाँ पर जो भी बीस्ट था, जिसका भी जो बीस्ट था, वो उस आदमी की रक्षा वहाँ पर करता था। और जैसा कि हमने पिछले सीन में देखा कि एक्स मैन ने सिकल मैन से लड़ाई करी कोल को लेकर, अब यहाँ पर एक बीस्ट और आ जाता है और वो बाहर ही खड़ा होता है इन लोगों की वेट में कि वो लोग कहाँ पर इन्हें ढूंढ रहा होता है। तब ये लोग यहाँ पर एक प्लान बनाते हैं कि अब वो उस बीस्ट को मार देंगे चाहे वो किसी का भी बीस्ट हो। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं इनके बाहर एक बीस्ट आता है और शीना एक लड़की को यानी कि उस चाइनीज़ गर्ल को अपने साथ लेकर भाग जाती है, और यहाँ पर कोल पर वो ऐसा करते हैं कि वो खुद भाग जाते हैं उस चाइनीज़ गर्ल को अपने साथ पीछे छोड़ जाती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर कोल तो निकल जाती है पर वो चाइनीज़ गर्ल वहाँ पर रह जाती है। हम यहाँ पर देखते हैं कि पीछे से कोल आती है और उस बीस्ट को मार देती है जो शीना को यानी कि उस चाइनीज़ गर्ल को मार रहा था। कोल उस बीस्ट को मार देती है, और जैसे ही इनकी आवाज़ सुनकर एक दोस्त यहाँ पर एक बीस्ट और आता है, पर वो डर के वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसने एक दूसरे बीस्ट को कोल के हाथों मरा हुआ देख लिया था। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो शीना और कोल थे वो लोग बाहर आ चुके थे, और यहाँ पर शीना कोल को बताती है कि मैं तुम्हारी फ्रेंड मैडी को भी मार दूंगी जिसके कारण मैं यहाँ पर इस गेम में एंड तक बच सकूँ। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो चाइनीज़ गर्ल होती है उसको एक बीस्ट पकड़ कर वहाँ से ले जाता है, उसे मारने की कोशिश करता है, वो उसके हाथ में चक्कू को गड़ा देता है, और यहाँ पर हमें पता पड़ता है कि वो बीस्ट जो था वो शीना का बीस्ट था, और ताकि वो इस सब को मार दे और शीना और उसका बीस्ट एंड तक बचे रहे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कोल को अपना बीस्ट पीछे से आता हुआ दिख जाता है और वो शीना को बातों में उलझाए रखती है, तभी कोल का बीस्ट शीना के सिर के दो टुकड़े कर देता है। और वहाँ पर जैसे हम लोग देखते हैं जैसे ही वहाँ पर शीना मरती है उसका बीस्ट भी दोस्तों वहाँ पर मर चुका है। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूँ कि अब मुझे लगता है कि आपको स्टोरी कुछ कुछ समझ में आने लगी होगी। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो वो चाइनीज़ गर्ल थी और कोल थी वो वहाँ पर मैडी को मिलती हैं, वो मैडी वहाँ पर उनको एक जंगल में फंसी हुई मिलती है, और जो चाइनीज़ गर्ल थी वो बहुत ज़्यादा जेलस हो रही थी कोल और मैडी की फ्रेंडशिप को लेकर। ये दोनों आपस में बड़ा ही, इन दोनों में बड़ा ही प्यार था, और ये लोग अच्छी तरह से अपने एक दूसरे को ग्रीट कर रही थी, जिसके कारण जो वो चाइनीज़ गर्ल थी वो बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो रही थी, उसे बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही थी, और वो चाहती थी कि वो मैडी को मार दे। अब दोस्तों यहाँ पर मैडी के बीस्ट को देखते हैं जिसके हाथ में एक पता नहीं क्या था, एक कुल्हाड़ी एक भाला टाइप था, और वो इन सबको मारने ही वाला था मैडी को छोड़कर। अब यहाँ पर कोल को दोस्तों फिर से गलत टाइम पर एपिलेप्सी होती है और वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाती है, और क्योंकि ये मैडी का बीस्ट था और चाइनीज़ गर्ल को भी ये पता था कि अगर मैं मैडी को मार दूंगी तो ये बीस्ट भी मर जाएगा और जिससे हमारी जान बच जाएगी। वहाँ पर वो चाइनीज़ गर्ल एक चाकू लेकर मैडी का गला काट देती है और वहाँ पर इतना ज़्यादा खून निकलता है जिससे मैडी मर जाती है, और उसका जो बीस्ट था वो भी ऑन द स्पॉट मर जाता है।
और यहाँ पर फाइनली यहाँ पर जो वो चाइनीज़ गर्ल और कोल की जो है जान वो बच जाती है। और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जैसे ही कोल देखती है कि चाइनीज़ गर्ल ने कोल मैडी को मार दिया तो वो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। अब क्योंकि यहाँ पर कोल की जो है यहाँ पर वो निकल चुकी थी और वो अपनी जो आईज में से वो चिप होती है वो उसको निकाल देती है, तो वो फिर से उस बॉर्डर के पास जाती है और उसको जो सायरन था उनको निकाल देती है, जिसके कारण वो बच नहीं सकता। अब हम लोग दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि गेम का एंड था जो वो चल रहा था, और यहाँ पर हम इस गेम के जो प्रोग्रामर था उसको देख रहे हैं, और जो एक अपने वीआर में एक मूवी को देख रहा था, और वो देख रहा था कि कैसे एक उस एक्समैन ने उस लड़की का सिर काटा था। यहाँ पर दोस्तों कोल उस आदमी से पूछती है कि तुमने ये गेम प्रोग्राम क्यों करा और तुम क्यों इन लोगों को मार रहे हो, तो वो उसे कुछ नहीं बताता, कोल से उल्टा बोलता है और कोल भी उस आदमी को मार देता है। दोस्तों हमारी मूवी यहीं पर एंड होती है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।